स्कूल आज हम करेंगे इंग्लिश में लेसन 13 की बैक एक्सरसाइज। लेसन 13 की जब रीडिंग हुई थी लास्ट वीडियो में तो हमने उसका मीनिंग समझा था, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एक बार चैप्टर के मीनिंग, इसमें हमने यूज ऑफ माय, आवर, योर, हिज, हर एंड देयर के बारे में पढ़ा था। माय मींस क्या बताया था, मेरा। आवर मींस हमारा, जो प्लूरल में हम यूज करते हैं जो प्लूरल होता है। एंड योर मींस तुम्हारा, हिज मींस उसका या वह, क्योंकि वो यूज होता है बॉयज के लिए। जब बॉयज की बात होती है तो हम हिज यूज करते हैं। एंड हर, हर मींस वही उसका, जो लड़की की बात करते हैं हम जब, तब हर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है देयर मींस उनका। हमने ये वीडियो में, लास्ट वीडियो में इसका मीनिंग समझा था और चैप्टर रीड किया था। अब हम करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज। पहले हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर में। फर्स्ट है हमारा, हूज कैट इज ब्लैक, मीन कि कैट जो काली कैट है वो किसकी है, किसकी है काली कैट। हमने चैप्टर में पढ़ा था काली कैट किसकी है, काली कैट है मोनू की। किसकी कैट है, मोनू की कैट है। तो हम आंसर बनाएंगे मोनूज कैट इज ब्लैक। काली कैट किसकी है, मोनू की। मोनू कैट इज ब्लैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Whose frog is blue? इसका frog is blue, blue means नीली, नीली जो frog है वो किसकी है, नीली frog है जो किसकी है, किसकी है। तो हमने चैप्टर पढ़ा था जो नीली frog थी वो किसकी थी, राधा की थी। किसकी थी, राधा की। तो हम आंसर बनाएंगे राधा's frog is blue। उसकी बनाएंगे राधा's frog is blue कि जो frog थी राधा की थी, थी ब्लू फ्रॉक किसकी थी, राधा की थी। ये राधा फ्रॉक इज ब्लू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन थर्ड है हमारा, व्हाट इज द कलर ऑफ फील्ड्स, मींस फील्ड मींस होता है खेत। फील्ड मींस क्या होता है, खेत। तो इसमें पूछा गया हमें कि खेत का कलर है, रंग है वो कैसा है। हमें हमने चैप्टर पढ़ा है खेत का कलर कैसा होता है, कैसा होता है, ग्रीन होता है, हरा होता है। द कलर ऑफ फील्ड इज ग्रीन, जो खेत का कलर है वो कैसा है, ग्रीन है। ग्रीन मीन्स हरा है। द कलर ऑफ फील्ड इज ग्रीन, जो फील्ड का कलर है वो कैसा है, हरा कलर है। कैसा कलर है, हरा कलर है। तो फिर से रिवाइज करते हैं इसे। फर्स्ट था हमारा, हूज कैट इज ब्लैक, ब्लैक यानी काली कैट किसकी है। हमने भी समझाया था मोनूज कैट इज ब्लैक, काली कैट किसकी है, मोनू की। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, हूज फ्रॉक इज ब्लू, जो ब्लू फ्रॉक थी वो किसकी थी, किसकी थी। राधा फ्रॉक इज ब्लू, जो राधा फ्रॉक थी वो राधा की, ब्लू फ्रॉक नीली फ्रॉक थी राधा की। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज द कलर ऑफ फील्ड, जो खेत का कलर है वो कैसा था, कैसा है। इसमें हमें आंसर बनाया है द कलर ऑफ फील्ड इज ग्रीन, फील्ड का खेत का कलर कैसा था, ग्रीन था, हरा था। कैसा था, हरा कलर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 4 था, व्हाट इज द कलर ऑफ सॉक्स, सॉक्स मींस क्या होता है, सॉक्स मींस क्या होता है, मोजा, जुराब, जिसे हम जूतों में पहनते हैं। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द कलर ऑफ सॉक्स, मींस सॉक्स जो मोजा है उसका रंग कैसा, तो जो सॉक्स और मोजा उसका रंग कैसा बताया गया था हमें लेसन में। द कलर ऑफ सॉक्स इज वाइट, कैसा बताया गया था, वाइट बताया गया था, सफ़ेद बताया गया था। चलिए हम फिर से देखिए, द कलर ऑफ सॉक्स इज वाइट, कैसा तुम्हारा जो सॉक्स था, सॉक्स का कलर कैसा है, वाइट है, सफ़ेद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 हमारा, हु हैज ए वाइट ब्रश, उसने पूछा है जो वाइट ब्रश है वो किसके पास है, किसके पास है, किसके पास है। तो आंसर लिखेंगे चाइल्ड हैज ए वाइट ब्रश, चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे होते हैं, चाइल्ड मीन्स एक बच्चा होता है, चाइल्ड है, चाइल्ड हैज ए वाइट ब्रश,
बच्चे के पास। और फिर से देखते हैं क्वेश्चन फोर को, व्हाट इज द कलर ऑफ सॉक्स, सॉक्स का कलर कैसा है, मोजे का कलर कैसा है। द कलर ऑफ सॉक्स इज व्हाइट, कलर मोजे का कलर कैसा है, व्हाइट है, सफेद है। नेक्स्ट है, हु हैज ए व्हाइट ब्रश, तो व्हाइट ब्रश है वो कैसा है, सफेद ब्रश कैसा है, किसके पास है, चाइल्ड पास है, बच्चे के पास है। लिखेंगे चाइल्ड हैज ए व्हाइट ब्रश, क्या लिखेंगे, चाइल्ड हैज ए व्हाइट ब्रश, बच्चे के पास क्या है, सफेद ब्रश है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें कुछ अनकंप्लीट सेंटेंस दिए हुए हैं, हम वो कंप्लीट करें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कंपाउंडर्स क्लोथ्स, जो कंपाउंडर क्लोथ्स हैं, कंपाउंडर के क्लोथ्स, कंपाउंडर कौन होता है, जो डॉक्टर के साथ काम करता है, उसकी हेल्प तो होता है, वो हेल्प करता है। तो कंपाउंडर क्लोथ आर क्लीन, हमने इसे कंप्लीट किया है, आर क्लीन, कंपाउंडर के कपड़े हैं कैसे हैं, क्लीन है, साफ है। कंपाउंडर्स क्लोथ्स आर क्लीन, कंपाउंडर के कपड़े कैसे हैं, साफ है, कंपाउंडर के कपड़े साफ है। नेक्स्ट है हमारा द सॉक्स ऑफ प्लेयर्स, तो सॉक्स ऑफ प्लेयर्स है, सॉक्स में जुराब, तो प्लेयर्स सॉक्स ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की जुराब है, कैसी है, आर वाइट, तो हमने क्या करा है, आर वाइट मीन जो प्लेयर्स की जुराबें हैं, सॉक्स है वो कैसी हैं, मोजे कैसे हैं, सफ़ेद हैं, कैसे हैं, सफ़ेद है, तो हमने इसको कंप्लीट किया है, द सॉक्स ऑफ प्लेयर्स आर वाइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा, दैट इज ब्लैक, तो ब्लैक क्या है, हमने चैप्टर में लेसन में पढ़ा था, कैट है, वाइट है वो, ब्लैक है, सॉरी ब्लैक है, माय कैट इज ब्लैक, तो इसमें कंप्लीट करके हम माय कैट इज ब्लैक। नेक्स्ट है हमारा डैश इज वाइट, वाइट क्या बताया गया था लेसन में, हमें बताया गया था वाइट ब्रश को, तो हम लिखेंगे इज ब्रश इज वाइट, उसका ब्रश वाइट था, ब्रश वाइट था और बॉय का था, इसलिए हमने इज लगाया है, इसलिए वाइट है, इज ब्रश इज वाइट। नेक्स्ट है डैश फ्रॉक इज ब्लू, तो ब्लू फ्रॉक किसकी बताई गई थी, लड़की की, राधा की बताई गई थी, वो गर्ल है इसलिए हमने हर यूज किया है, हर फ्रॉक इज ब्लू, हर फ्रॉक इज ब्लू की राधा की फ्रॉक की, राधा लड़की है इसलिए हमने हर यूज किया और हर फ्रॉक इज ब्लू, हमने सेंटेंस कंप्लीट कर दिया है। फिर से एक बार देखते हैं कंप्लीट सेंटेंस, कंपाउंडर्स क्लोथ्स आर क्लीन, कंपाउंडर के कपड़े कैसे हैं, क्लीन है, साफ है। नेक्स्ट है द सॉक्स ऑफ प्लेयर्स आर वाइट, जो प्लेयर्स की सॉक्स है मोजे हैं वो कैसे हैं, वाइट है, सफेद है। प्लेयर हमने आर क्यों लगाया है, इसलिए लगाया क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ में हम आर को यूज करते हैं। नेक्स्ट है माय कैट इज ब्लैक, तो माय कैट इज ब्लैक, इसमें माय कैट लिखा हमने क्योंकि ब्लैक का थी कैट थी। एंड नेक्स्ट है डैश इज वाइट, डैश इज वाइट, वाइट क्या है, वाइट क्या है, ब्रश, ब्रश था वो वाइट था इसलिए हमने लिखा, और वो लड़के के पास था, बॉयज के पास था इसलिए हमने हिज यूज किया है, हिज ब्रश इज वाइट। नेक्स्ट है